हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम समझेंगे नेगेशन कंडीशन के बारे में, है ना, कि नेगेशन कंडीशन क्या होती है। अब अगर आप लोग पूरा सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमने इससे पहले इफ स्टेटमेंट के साथ में और भी बहुत कंडीशन डिस्कस की है, जैसे रिलेशनल कंडीशन, साइन कंडीशन, क्लास कंडीशन और नेम कंडीशन। उसी के कंटिन्यूशन में हमारा आज का सेशन है, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं नेगेशन कंडीशन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से ऐसे सिनेरियोस होते हैं प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम इस तरह की नेगेशन कंडीशन का यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रोग्राम वॉक थ्रू करेंगे, जहाँ पे मैंने एक सिंप्लीफाइड वे में एक प्रोग्राम बनाया है, और उसके समझने से ही आपको पूरा इसका क्लियरिटी आ जाएगा कि कब हम नेगेशन कंडीशन को यूज़ करते हैं और कैसे वो यूज़ होती है, उसकी सिंटेक्स क्या है, फॉर्मेट क्या है। ठीक है, जब प्रोग्राम्स क्लियर हो जाएगा तो उसको हम कॉल करके उसके आउटपुट चेक करेंगे और आउटपुट में थोड़ा सा वेरिएशन करके उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है ऑलरेडी टेस्ट पीजीएम नेम से, तो इस पे मैं ऑप्शन 2 लूँगा एडिट मोड में इसको ओपन करने के लिए, और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। स्टार्टिंग से ही एक एक लाइन समझेंगे, पूरा ये हमारा जो कोड है वो बस 23 लाइंस का ही है, तो इसको एक एक लाइन से समझते हैं। सबसे पहले हमने बनाया हुआ है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? जब भी आपको आपके प्रोग्राम में, जब भी आप किसी प्रोग्राम रिलेटेड, प्रोग्राम्स की आइडेंटिटी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी होती है, तो उस केस में हम आइडेंटिफिकेशन डिवीजन का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन आपको आपके प्रोग्राम की आइडेंटिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे प्रोग्राम आईडी क्या बता रहा है, टेस्ट पीजीएम, मतलब ये क्या है, हमारा प्रोग्राम का नेम है। प्रोग्राम आईडी क्या बता रहा है, प्रोग्राम नेम, ये हमें लिखना पड़ता है ना। यहाँ पे देखो जैसा प्रोग्राम नेम होगा वही आप यहाँ रखोगे। फिर आता है ऑथर, ऑथर में हम क्या डाल रहे हैं, टेक्सचर मेथ, मतलब ये जो प्रोग्राम है किसने राइट किया, टेक्सचर मेथ ने। तो ये पूरा जो ब्लॉक हो गया उसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बट कौन से डिवीजन होते हैं कोबोल में, क्यों हमें लिखना होता है, इन सबको अपन ने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले स्टार्टिंग से देखें, फर्स्ट सेशन से देखें, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि हमने ये स्पेस एक्स्ट्रा क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें एकदम बेसिक से बताई हुई है उसमें। अभी के लिए हम बस कंडीशनल वाले पार्ट पे ही फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन मैंने शॉर्ट में बता दिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे 3 कमेंट लाइन लिखी हुई है ना। कमेंट लाइन लिखने का पर्पस बस इतना है कि यहाँ पे आपको टॉपिक का नेम पता चल जाए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और हम उस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा यहाँ पे इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, नेगेशन कंडीशन या नेगेटिव कंडीशन भी बोल सकते हो, दोनों एक ही मीनिंग होता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा डिवीजन डिक्लेयर करना पड़ता है, तो यहाँ से डेटा डिवीजन सेक्शन स्टार्ट हो गया। उसके अंडर में हमने वर्किंग स्टोरेज सेक्शन रखा है, और जितने भी प्रोग्राम में वेरिएबल आपको यूज़ करने हैं वो सारे डिक्लेयर कहाँ होंगे, वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे पहला वेरिएबल क्या आ गया हमारा, एज। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन भी वैसे हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी पूरा डिटेल में, बट फिर से मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब भी आप कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो वो मेनली 5 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला, लेवल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, लेवल नंबर 01 क्या डिनोट कर रहा है, लेवल नंबर ऑफ दिस वेरिएबल। फिर आता है डेटा नेम, तो एज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा नेम। फिर डेटा नेम मीन्स जब भी आपको इस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा थ्रू आउट द प्रोग्राम तो आपको इसी नेम का यूज़ करना पड़ेगा। फिर आता है पिक्चर क्लॉज, ये पूरा पार्ट आता है पिक्चर क्लॉज। पिक्चर क्लॉज पिक जो है PIC वो डिनोट कर रहा है पिक्चर क्लॉज, और साथ में ये आपको डेटा टाइप के बारे में बताता है कि 9 है, मतलब हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, हमारा न्यूमेरिक है, और इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, तो ये अप टू 3 डिजिट वैल्यू होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना पिक्चर क्लॉज। तो फिर आता है हमारे पास वैल्यू क्लॉज, जो हमेशा ऑप्शनल क्लॉज होता है, बट इस एग्जांपल में हम वैल्यू क्लॉज का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू क्लॉज से ही हमने इसमें वैल्यू असाइन की हुई है, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे वेरिएबल को फिर से देखोगे तो आपको यहाँ पे 4 पार्ट दिख रहे हैं, लेवल नंबर, डेटा नेम, पिक्चर क्लॉज और वैल्यू क्लॉज, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने एक वेरिएबल बनाया एज नेम से, जिसमें जो न्यूमेरिक डेटा टाइप होल्ड कर सकता 3 डिजिट तक का, और उसमें अभी वैल्यू क्या स्टोर करी, 16। क्लियर हो गया वेरिएबल। अब इस वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के फर्दर स्टेप्स में। तो यहाँ से मैंने इनिशिएट कर दिया प्रोसीजर डिवीजन,
प्रोसीजर डिवीजन के बाद में आप जितना भी मेन पार्ट होता है आपको लॉजिक का, वो यहाँ आप लिखोगे। तो यहाँ अगर आप देखो, सबसे पहले हमने कंडीशन बनाई है इफ़ नॉट एज इक्वल 15। तो ये जो नॉट है ना, इसी को हम बोलते हैं नेगेशन, है ना। नेगेशन मतलब नेगेटिव। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप देखो, एक बार के लिए आप इसको अवॉइड करो, है ना। ऐसा समझो कि आपके पास डायरेक्ट लिखा हुआ है इफ़ एज 15। तो अगर एज 15 है तो आप प्रिंट कर दो एज इज 15, है ना। पर हम कह रहे हैं कि अगर एज 15 नहीं है, नेगेटिविटी डाल रहे हैं, नेगेटिव बना रहे हैं उसको, स्टेटमेंट को, कि अगर एज 15 नहीं है तो ये मैसेज डालो। तो ये देखो, नॉर्मली क्या होता है, ऐसे हम एल्स में काम चला लेते हैं। एल्स हम लिखते हैं इफ एज इज 15 तो ये करो, एल्स ये करो। बट एल्स में क्या हो सकता है, एज कुछ और हो, है ना, जीरो हो, नेगेटिव हो। तो इसीलिए अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि नहीं, हमें नॉट के थ्रू ही चीज़ों को सेट करना है कि इफ नॉट एज, मतलब 15 तो होनी ही नहीं चाहिए, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, इफ नॉट एज 15 देन डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, एज इज नॉट 15। ये जस्ट मैंने शो करने के लिए टेक्स्ट डाल दिया यहाँ पे, इफ नॉट एज 15 देन डिस्प्ले एज इज नॉट 15, क्लियर। उसी का अपोजिट वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें हमने लिखा है इफ एज 15 देन डिस्प्ले एज इज 15, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन तो ऑलरेडी अपन बहुत बार यूज कर चुके हैं, नॉर्मल वाला। अभी हमने जो देखा वो बस ये देखा कि नेगेशन कैसे बनाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस वेरिएबल के साथ यूज़ कर सकते हो, इसको आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। आप जैसे हमने देखा था रिलेशनल कंडीशन, वहाँ आप लगा सकते हो कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, या फिर इफ़ नॉट ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्लास कंडीशन के साथ लगा सकते हो, इफ़ नॉट न्यूमेरिक, इफ नॉट अल्फाबेटिक, है ना, और इफ़ नॉट पास नॉट फेल। अगर आप बात करो नेम कंडीशन की, जो पहले सेशन में देखा था, तो उसमें भी नेगेशन लग सकता है। तो नेगेशन हर किसी में लग सकता है, बस आपको समझना ये है कि नेगेशन का मीनिंग क्या होता है। नेगेशन का मीनिंग होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो, नॉट, है ना। तो नॉट वाले केस में हम क्या यूज़ कर लेंगे, हम यूज़ कर लेंगे अपने नॉट कीवर्ड को, है ना। नॉट कीवर्ड का यूज़ करके आप इजीली सेट कर सकते हो कि हमारा जो ये कंडीशन है वो नेट नॉट नहीं होना चाहिए, नॉट में ही रिजल्ट आना चाहिए। नहीं होगी तो क्या करना है, वो वाला कोड इसमें आता है। अभी तो हम क्या खाली टेक्स्ट ही प्रिंट कर रहे हैं, बट बाद में जब प्रोजेक्ट में आप ये चीज़ें यूज़ करोगे तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, है ना। सिर्फ यही नहीं रहेगा, आप टेक्स्ट की जगह कुछ और लॉजिक भी लिख रहे होंगे, कोई कंडीशंस बना रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ नॉट के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पूरा प्रोपोर्शन आपको क्लियर हुआ होगा कि नेगेशन कंडीशन कैसे बिल्ड करते हैं और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। अब अपन क्या करते हैं, इसको फटाफट से कंपाइल करके एक बार आउटपुट देखते हैं। तो उससे पहले समझ लेते हैं ड्राई रन करके, वैल्यू क्या अपने पास 16, क्या 16 नॉट 15 है, हाँ नॉट 15 है, तो उस केस में मैसेज आ जाएगा एज इज नॉट 15। और यहाँ पे क्या आएगा, इफ़ एज इज 15, 15 तो नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो सिंपली इसको करते हैं फाइल और करते हैं कंपाइल और कॉल। जैसे मैंने इसको कॉल किया तो आपको दिख रहा है एज इज नॉट 15 हमारे पास प्रिंट हो गया, मतलब एज जो है वो 15 नहीं है, तो ये करेक्ट है। तो ये किससे एग्जीक्यूट हुआ, ये नेगेशन कंडीशन से एग्जीक्यूट हुआ। उसी तरह से अगर मैं एज को अभी 15 कर देता हूँ तो क्या ये प्रिंट करेगा, देखते हैं। करा इसको रन, कंपाइल, कॉल, तो मैसेज आया एज इज 15, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अगर आपके वेरिएबल में, अब जैसे यहाँ पे 15 था तो 15 के केस में ये चेक करने गया कि एज इज 15 नॉट 15, तो नॉट 15 तो नहीं है, है ना। पहले ये क्या करता है, इसको चेक करता है कि एज इज 15, फिर नॉट लगा देता है उसके आगे। तो अगर एज 15 ट्रू है तो ये रिजल्ट क्या करेगा, फॉल्स, क्योंकि नॉट 15 है ना, नॉट ट्रू है। और सेकेंड वाले में वैल्यू इसलिए प्रिंट हो गई कि वहाँ लिखा था कि एज अगर 15 है तो वैल्यू प्रिंट करने, तो एज 15 थी तो हमारी जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो गई, ठीक है। बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नॉट कंडीशन सिर्फ इसके लिए ही नहीं, हर किसी कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और एज ए डेवलपर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे आपको कुछ भी चीज़ शो करनी हो, तो मतलब कुछ भी चीज़ टेस्ट करनी है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, जाके इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, रन करके देख सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पूरा पोर्शन क्लियर हो गया आप लोगों को कि कैसे नेगेशन कंडीशन का हम यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने इफ के बहुत सारे सिनेरियोज देख लिए, जिसमें पहले हमने देखा था रिलेशनल कंडीशन, फिर हमने देखा था साइन कंडीशन, है ना, फिर आपने उसके बाद में देखा था क्लास कंडीशन,
ऐसे बहुत सारे कंडीशन देखे थे, है ना, उससे पहले फिर नेम कंडीशन देखा था, और आज वाला हमने देखा नेगेशन कंडीशन। तो आई होप ये सारे आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मिथ।